हे वेलकम बैक दोस्तों आपके अपने चैनल एजेंडी पीपू टेक में। तो आज की इस ब्लॉग में आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जो ये ऊपर आप टिन देख रहे हैं रेड कलर का टिन और ये झालर लगी हुई रेड कलर की, कैसे लगाई जाती है, कहाँ मिलती है और किस तरह से फिटिंग हुई जाती हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना। तो देखिए जो से टिन है इसका बैक साइड ग्रे कलर का है, आप देख पा रहे हैं, और ये हुक हैं, ये हुक से इसको लॉक किया जाता है टिन को ऊपर जो रेड कलर की। आप कोई भी चादर डालिए, रेड डालिए, ग्रीन डालिए, सिंपल जो टिन है नाल वाले टिन वो डाल लीजिए, कोई भी टिन की फिटिंग है। और ये उसी कलर की मैच की झालर है रेड कलर की, ये झालर जो आएगी आएगी 10 फिट में। आप देख रहे हैं भी, आपको दिखा रहा हूँ झालर किस तरह से लगेंगी, ये पूरी झालर जो है 10-10 फिट की आएंगी। तो आप इसको जितना भी आपका है उस हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं इसको। और डिफरेंट ये झालर का मॉडल ऐसा, और भी मॉडल के झालर मिल जाते हैं जैसे, और चाहें तो अगर आप खुद ही काट के भी बना सकते हैं इसको। और इसके हुक्स आते हैं देखिए, इस तरह के आपको हुक लेके आने पड़ेंगे, नट बोर्ड। तो इससे आपको ये टिन की फिटिंग करानी पड़ेगी। ये देखिए इस तरह की मैंने इसमें डाल रखी है, कि लोहे की लंबी वाली चौखंड में है ये। तो उसी तरह से आपको इसके वो भी हुक भी लेके आने पड़ेंगे। अगर आप गोल पाइप डालेंगे तो जे हुक लाना पड़ेगा। और ये झालर है आपको देखिए, इसकी जो ये पत्तियां बन रही हैं, ये पत्तरियों में हम ड्रिल मशीन से छेद करके इसको ऊपर लॉक करेंगे। अभी देखता हूँ, ये देखो पहले हम इसमें छेद कर लेंगे नाप के, और इसे नट बोर्ड से 1 इंच की नट बोर्ड से इसको लॉक कर लेंगे, और बाद में हम इसे ऊपर लगा देंगे। 2 छेद करने पड़ेंगे इसमें और उस पर लॉक करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए लॉक करके हमने आधा लगा दिया है इस पत्री में, ये देखिए आप नट बोर्ड दिख रहे होंगे आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स।